खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समूह संस्थावां समूह संगतां दे सहयोग नाल जो ये करोना महामारी हालात चल रहे हैं इन्हां विच लोड़वंदां दीआं सेवावां निभा रही हैं उन्हां समूह संस्थावां ते संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद है। सतगुरु सेवा सफल करन उहदे नाल नाल एक जरूरी बेनती है क्योंकि कल मैं इहो पुन गुण गोबिंद गाहे कलयुग में सब तो वड्डा यह पुन है अकाल पुरख वाहिगुरु जी के गुण गाने दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी या फिर सतगुरु जी कहिंदे कि तुर की बाणी आई तिन सगली चिंता मिटाई। सो इस सारिया चिंतावां का एको एक वाहिद हल श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी है जिन्हों आप गाइए सुनीए पढ़ीए जारीए क्योंकि गावीए सुनीए मन रखिए भाव दुख पर हर सुख कर लै जाए। सो दे वास्ते सात संगत समूह सात संगत के सहयोग नाल और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मीत प्रधान सत्कारयोग सरदार गुरबख्श सिंह जी खालसा नवांशहर उन्हां दे सहयोग नाल एक उपराला आरंभ किया है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बख्शिश नाल पिंड पिंड जिन्हें भी गुरद्वारे हैं उन्होंने सहज पाठ आरंभ करने वास्ते बेनती की गई है। बहुत सारे नगरों में पाठ आरंभ हो गए हैं बहुत सारे नगरों में बेनती करके आरंभ करवाए जा रहे हैं जो सवेरे शाम गुरु घर के ग्रंथी बाबा जी हैं वो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा संगतों को घर बैठे ही स्पीकर राही बाणी सरवण करवाएंगे। सात संगत ये सारे ही सहज पाठों के भोग जो कि मई महीने की संगरांद में पाए जाएंगे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा कर बाणी के आसरे नाल आपां ते दुखां तो भी निजात पा सकीए और ये बाणी साढ़े लोक ते परलोक की सहायक भी है। सो सात संगत वो वास्ते उचेचे तौर पर बेनती है जिहड़ियां संगतां जां प्रबंधक कमेटियां जे भेटा नहीं भी सहज पाठ नहीं को दे सकदे उहदे वास्ते पहली बेनती की गई है कि उन्हां सहज पाठां की जो सेवा भेटा है वो मायक भेटा जिहड़ी है वो सेवा दे रूप विच दासरियां वालों सात संगत वालों दित्ती जानी है। सो उहदे वास्ते बेनती है सारे नगरां विच सहज पाठ आरंभ करो जिथे भी भेटा और महाराज जी दा मरला है उस समय सिर दासरियां वालों संगत वालों बेनती करके भेज दिता जाएगा। सो सात संगत ये बेनती प्रवान करनी सारे नगरों में सहज पाठ आरंभ किए जाए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।